वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस और चीन के बीच रिश्तों का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस समय, चाइनीज दूतावास ने कांग्रेस को फंडिंग की थी, ये खबर इस समय निकल कर क्या रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज दूतावास से फंडिंग, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, खास करके उस समय जिस समय भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। बदले में कांग्रेस ने चीन की मदद की, जो लगातार आरोप लगते रहे थे बीजेपी की तरफ से कि चीन के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो कांग्रेस हमेशा चीन की तरफ वाली बात क्यों करती है। और अब ये खबर निकल कर क्या रही है कि भारत चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई शोध किए गए थे, कई सारे करार किए गए थे, और जिस तरीके से साफ तौर पर चीन के समर्थन की बात हो रही थी, वो अब निकल कर क्या रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के वहां पर फंडिंग की गई थी चीन की तरफ से, और ट्रेड एग्रीमेंट पर भी शोध किया गया था। ये साफ तौर पर इस समय बड़ी खबर आ रही है समय की, राजीव गांधी फाउंडेशन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई शोध किए थे, ये खबर निकल कर के इस समय आ रही है। बड़ी खबर है इस समय की, किस तरीके से कांग्रेस और चाइना के बीच का जो रिश्ता है उसके ऊपर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार क्यों जब भी कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, जब भी चाइना के खिलाफ भारत कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता है, क्यों जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी उठ करके आती है और अपने ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है, लगातार अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है। चीन और कांग्रेस के बीच रिश्तों के बारे में यह खुलासा निकल करके आ रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई शोध किए थे। भारत चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई शोध किए गए थे, और ये हम आपको दिखा रहे हैं जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव खबर है आप सबके लिए। जिस तरीके से ये बड़ी खबर इस समय निकल करके आ रही है कि लगातार जो है ये बात कही जा रही थी कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं कि कांग्रेस हमेशा से चीन पर जो है वो नर्म रहा है, ऐसे क्या कारण रहे। लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि किस तरीके से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस जब सरकार चला रही थी उस समय किस तरीके से लगातार जो है वो चाइना देश में हमारे यहाँ जमीन पर कब्जा करता रहा, लगातार ये खुलासा हुआ है। और ये खुलासा जो है अब इस समय निकल करके आ रहा है कि जो रिश्ता है वो साफ तौर पर ये है कि फंडिंग चीन करता था कांग्रेस पार्टी को, और बदले में कांग्रेस ने चीन के खिलाफ हमेशा ही नरम रुख अख्तियार किया कांग्रेस की पार्टी ने। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के, इस खुलासे को लेकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की साख पर जो है वो बट्टा लगाया है, देश को कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, और बदले में कांग्रेस ने चीन की मदद की है। जो भी फंडिंग चीन करता रहा है, हमेशा से हम सब जानते हैं कि चाइना जो है उसकी रणनीति यही रही है कि ताकत से चाहे आप किसी देश को अपने कब्जे में कर लो, उसकी जमीन को हड़प लो, या फिर दबाव बढ़ा दो कर्ज का कुछ और अलग तरीके से, गलत तरीके से किसी देश पर जो है वो अपने पूरा अपना जो है एक तरीके से जो कब्जा है उसको फैलाया जाए। और वही काम भारत के साथ, चूंकि भारत बड़ा देश है, उस तरीके से नहीं किया जा सकता था। तो अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के, जब सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस और चाइना के बीच रिश्तों का खुलासा हुआ है, उससे अब साफ साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है।